अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी हम सिस्टम लगाने आए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 18 पैन लगे हुए हैं, 10 किलो वाट के पैन लगे हुए हैं। सिस्टम लगा रहे हैं 15 किलो वाट का ऑन गेट, जिसके अंदर हम यूज़ किया ग्रो वाट का इन्वर्टर 15 किलो वाट का ऑन गेट के अंदर। और ये 18 पैन लगा दिए हमने, जिनको कंपनी का ये पी टाइप पैनल है। और ये देख सकते हैं आप, जिनको कंपनी का पी टाइप पैनल है, सिंगल साइड वाला 18 पैनल लगे हुए हैं। ये तकरीबन 10 किलो वाट है। ये हमने L2 स्टैंड पर लगाया क्योंकि इनकी छत पर जगह थी, तो L2 स्टैंड पे काम कर रहा है हमने सारा। ये देखें, रॉड बोर्ड के जरिए पूरे L2 स्टैंड के अंदर ये 6 प्लेट लगी हुई हैं, और 6 प्लेट ये लगी हुई हैं, तकरीबन 12 हो गई हैं। बाकी इसके पीछे जो है ये देखें, 2, 2, 4 और ये 2, 6, तो तक कंप्लीट ये 18 प्लेट आपने लगा दिए हैं। ये देखें आप, ये अभी अर्थिंग की काम चल रहा है। इसका अर्थिंग भी इसके अंदर प्रॉपर दे रहे हैं, क्योंकि ऑन गेट के अंदर अर्थिंग वगैरह सब देनी होती है। अभी देखिए इसे स्ट्रिंग बना रहे हैं, नोनो की स्ट्रिंग उतरेंगी, 2 स्ट्रिंग नीचे उतरेंगी, तो नोनो की हम स्ट्रिंग बना रहे हैं और प्रॉपर तरीके से अर्थिंग को जो है जम कर रहे हैं, एक दूसरे से मर्ज कर रहे हैं सारे प्लेटें। और ये देखें आप, ये राउंड बोर्ड के जरिए हमने ये लगा दिया है, ये 18 पैनल तकरीबन। तो कंप्लीट भी देखिएगा, आपको एक ही चीज़ बताएंगे नट टू नट कि किस तरह से ये हमने कंप्लीट सोल्यूशन की है। नीचे कौन कौन से जो ब्रेकर लगाए हैं, SPDs के अंदर कौन सी यूज़ हुई हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे, कंप्लीट सोल्यूशन दिखाएंगे। आप वीडियो देखिएगा, विदाउट स्किप कीजिए। और इसके अलावा जो कराची में किसी भी जगह आप हमसे सिस्टम लगा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी कंडीशन देंगे। कराची में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। चलें फिर हम चलते हैं नीचे, देखते हैं कि इन्वर्टर आप किस तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं। चलिए, ये किलो वाट का इन्वर्टर है, 15 किलो वाट का। इसकी अभी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, इसके साथ क्या मिलता है वो भी हम आपको दिखाएंगे साथ साथ। ये इसका वारंटी कार्ड आ गया है, और इसके अंदर जो है मेमोरी यूज़र भी दिया हुआ है साथ में। और बाकी जो है ये इन्वर्टर हम आपको दिखाते हैं, इसके अंदर क्या क्या सामान है वो भी दिखाते हैं। चलिए, ये किलो वाट का इन्वर्टर है, ऑन गेट 15 किलो वाट के अंदर ही आता है ऑन गेट। और इसके अंदर आपको उधर नीचे जो है इसके सारे पोर्ट, इसको निकालो, इसके अंदर 3 स्ट्रिंग दी हुई है सोलर की, इसके अंदर 3 स्ट्रिंग हम लगा सकते हैं। ये कम्युनिकेशन की दी हुई है, USB लगेंगे यहाँ पे, वाईफाई की डोंगल की, और ये लगेंगे यहाँ पे जो फेज लगेंगे, न्यूट्रल, अर्थिंग और फेज, 3 फेज के अंदर लगेंगे। बाकी जो इसका ये ऑन ऑफ का स्विच, DC ब्रेकर दिया हुआ है। इसके अलावा देख सकते हैं, 15 किलो वाट का इन्वर्टर है, ठीक है, 15,000 वाट। और तकरीबन इसके अंदर जो है हम 35 पैनल लगा सकते हैं, 1100 वोल्ट सपोर्ट करता है DC, मैक्सिमम मिनिमम 140 रेंजेस की। कम से कम जो है तकरीबन 5-4 पैनल लगाना पड़ेंगे, इससे ही ऑन होगा, और मैक्सिमम 32 से पैनल लगा सकते हैं। इसके साथ हमें जो मिलता है सामान वो आपको दिखाता हूँ। ये डोंगल मिलती है इसके साथ हमें वाईफाई की, जिससे हम स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। ये कम्युनिकेशन केबल इसके साथ दी हुई है, साथ में ये ILUX दिए हुए इसके साथ, जो इससे लगाना इजी हो जाएंगे वायर, ठीक है। इसके अलावा जो है ये रावल बोर्ड MC4 कनेक्टर दिए हुए इसके साथ, ये 4 ये 3 फेज में लगता है जो उसका कनेक्टर है, ये तो ये तमाम चीज़ के साथ आई है। ये इसके साथ हमने ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये DC ब्रेकर हैं, 2 स्ट्रिंग इसकी उतरेंगी, 18 पैनल लगे हुए हैं, 9 पैनल की स्ट्रिंग उतरेगी। ये अर्थिंग के हो गए, ठीक है, SPD, और ये हो गए 2 ब्रेकर DC 63 ब्रेकर 1000 वोल्ट के अंदर, तो ये लगेंगे इसके अंदर, दोनों स्ट्रिंग इसके अंदर अलग अलग उतरेगी, ठीक है। एक हो गया DC का बॉक्स, और ये हो गया AC का बॉक्स। ये SPDs जो है 4 पोल की, और ये जो है 4 पोल का जो है ये 63 का सिलेंडर वालों का ये ब्रेकर है। तो ये हो गया AC का बॉक्स, और ये हो गया DC का बॉक्स, तो दोनों बॉक्स लगेंगे अलग अलग, जो कि इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट होती है। अर्थिंग प्रॉपर तरीके से इसके अंदर करते हैं हम लोग, तो ये देखें एक नंबर शनाइडर है, ये आपने इसमें कॉपियाँ भी आती हैं, लेकिन आप अगर एक नंबर लेंगे तो ये कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। कॉपी के अंदर जो है लाइफ कम होती है उसकी, और वो परफॉर्मेंस इसकी कोई इतनी खास नहीं होती है। चलिए जी, अभी इन्वर्टर हम हैंग कर रहे हैं, काफ़ी बज नहीं होता है, इसलिए 2 बंदों से उठाया जाता है। ये देखें, ये आ गई है एक DC अर्थिंग, इधर आ गई है, और प्रॉपर तरीके से जो है ये पाइप भी छोड़ा हुआ है, पानी हमें डाल सकते हैं अगर अर्थिंग में उधर इश्यू हो, ठीक है। और दूसरी अर्थिंग जो है हमने सामने आ गया, एक अर्थिंग ये रही और एक अर्थिंग ये रही, दूसरी अर्थिंग ये गई, 2 अर्थिंग इसकी लेनी पड़ती हैं। ये देखें, ये इसकी अर्थिंग आ रही है, तो ये दोनों अर्थिंग है।
चलें जी, प्रॉपर तरीके से जो है इसकी वायरिंग हो गई है। अभी ये अर्थिंग का वायर लगाएंगे यहाँ पे, ये लगा दो अर्थिंग का, और इसके अलावा जो है ये न्यूट्रल और तीन फेज हमने इसमें दे दिए, ये स्ट्रिंग लगा दी सोलर की, ठीक है। अभी यहाँ वाईफाई डोंगल लगाते हैं, और ये देखें आप, ये हमने ब्रेकर लगा दिए, दो एसपीडीज आ गई हैं, डीसी, दो डीसी ट्रांसफर नंबर के ब्रेकर आ गए, दो स्ट्रिंग उतरी हुई हैं, दोनों के अलग अलग ब्रेकर हैं। ये बॉक्स हो गया डीसी का, अर्थिंग प्रॉपर तरीके से हमने इसमें दे दी है जो बाहर जा रही है, और ये वाला बॉक्स हो गया उसका अपना एसी का, ये एसी की एसपीडीज है, और ये ब्रेकर लगा हुआ चार बोल का ये लगा हुआ है। चलें जी, सिस्टम लग चुका है माशाल्लाह से, कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम इसको पैक कर दिया, क्योंकि अभी जो है इसकी जो है तकरीबन मीटर लगा नहीं है, मीटर लगेगा उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करके हमने चेक किया था, प्रॉपर वर्किंग कर रहा था, ठीक है। ये हमने जो है इसके डीसी ब्रेकर लगाए हुए हैं, सोलर के दो स्ट्रिंग उतरी हुई है, एसपीडीज लगा हुआ है, और ये शनाइडर के ब्रेकर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये एक बॉक्स जो है एसी ब्रेकर का है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये शनाइडर का लगा हुआ है एक, और एसपीडीज लगी हुई है फोर कोर की। तो कम्प्लीट प्रॉपर तरीके टक पट्टी के साथ हमने काम कर दिया, आप ये चेक कर सकते हैं काम हमारा, तो इस तरह का हमारा काम है, प्रॉपर वर्क हमने कर दिया इसका। अगर आप भी हमने लगवाना चाहते हैं तो ये नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी अर्थिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी अर्थिंग है, एक ये अर्थिंग आ गई डीसी अर्थिंग, और ये एक इसकी अर्थिंग आ गई है एसी अर्थिंग। तो ये दो अर्थिंग दी हुई है प्रॉपर तरीके से, ये देखें 15 फीट का इसका बोर हुआ है, उसके बाद जो है अंदर कॉपर की वायर डाली है, उससे ये हमने अर्थिंग प्रॉपर डाली है। दो अर्थिंग चाहिए होती है इनपुट के लिए, तो ये हमने दोनों अर्थिंग बना दी है इसकी।